मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर ऑफ पांडेश्वर मॉडर्न स्कूल ऑफ क्लास 4. टुडे आई विल टीच द सब्जेक्ट कंप्यूटर, दैट इज सेकेंड चैप्टर, एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ दिस चैप्टर, दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ, दैट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 टू 1956. Countries that were fighting the Second World War 1939 to 1945 needed powerful computers. जब countries मतलब क्या है, Second World War हो रहा था, तब Second World War हो रहा था तो उस वक्त क्या है, जब एक दूसरे के साथ में country लड़ाई कर रहे थे, fighting कर रहे थे, उस वक्त क्या था, ज़रूरत थी powerful computer की. This resulted in the development of the first generation computer. और इसका result क्या आया कि first generation जो computer है, first generation computer का वो क्या हुआ, developed हुआ. This first generation computer used vacuum tubes. First generation का computer जो था उसको मतलब क्या है, क्या use किया जाता था उसमें, vacuum tubes. That is vacuum tubes. That why they are हैज इन साइज, क्यों, लेकिन क्या था कि वो था ना, वो जो वैक्यूम ट्यूब्स था वो क्या था, क्यों बड़ा सा साइज में. दिस कंप्यूटर्स कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट. वे जो कंप्यूटर थे वो कंज्यूम करते थे, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और क्या हीट भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे. वो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है, वो उस टाइम में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ था वो उस टाइप की. सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, कुछ जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, दैट आर Z3. इन 1941 कॉनराड ज्यूस, ए जर्मन इंजीनियर, डेवलप्ड ए कंप्यूटर कॉल्ड Z3 टू डिज़ाइन एरोप्लेन एंड मिसाइल. कॉनराड ज्यूस जो थे जर्मन के इंजीनियर, उन्होंने 1941 में एक कंप्यूटर को डेवलप किया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, Z3, और डिज़ाइन उसका कैसा था, एरोप्लेन की तरह या फिर मिसाइल्स की तरह. नेक्स्ट क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, Mark 1. इन 1944 ए फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कॉल्ड Mark 1 वाज डेवलप एट IBM. 1944 में एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था डेवलप किया गया IBM के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया, Mark 1. It was a huge machine and contained about 50 mils of wiring. वो क्या था, वो जो था वो बहुत बड़ा मशीन था और उसमें कितने वायर्स के वायरिंग थे, 500. Though it could perform basic arithmetic as well as more complex equation, it was an extremely slow machine. उसमें उस मशीन में क्या था, वो एक परफॉर्म करता, उसमें जो कैलकुलेशंस का काम होता था, बेसिक कैलकुलेशंस का ही ओनली काम होता था, और वो एज वेल मतलब ठीक ठाक हो ही जाता था, इक्वेशन जो होता था उसका ठीक ही ठाक रहता था, लेकिन वो क्या था, मशीन बहुत ही स्लो था. नेक्स्ट INIAC, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोगेटर एंड कंप्यूटर वाज अनदर हज डिजिटल कंप्यूटर डेवलप बिटवीन 1946. ये जो है एनिक्स, ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा डिजिटल कंप्यूटर डेवलप हुआ, कब, 1946 में. इट कंज्यूम्स इनॉर्मस अमाउंट्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर बट वॉज 100 times फास्टर देन Mark 1. इस ये जो कंज्यूम करता था बहुत ही इलेक्ट्रिक पावर इसका था क्या, बहुत ज़्यादा था, ये Mark 1 से 100 times ये फास्ट काम करता था, ये जो मशीन है ये Mark 1 से 1000 times फास्ट काम करता था.
नेक्स्ट EDVAS, दैट इज EDVAS, सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. एडवेक्स वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इन 1945. इट स्टोर्ड बोथ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. इट वॉज वेरी फर्स्ट सिंस द कंप्यूटर हैड क्विक एक्सेस टू बोथ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. ये जो कंप्यूटर है इसका डेवलप कब हुआ था, 1945 में. ये जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को स्टोर कर करके रख सकता था. ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो मतलब क्या है, बहुत ही जल्दी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता था अपने में, ठीक है, उस पर वर्क करता था. नेक्स्ट यूनिफैक्स वन डेवलप्ड इन 1951. द यूनिफैक्स वन यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर. इस कंप्यूटर का डेवलप कब हुआ था, ये कंप्यूटर क्या है, 1951 में इसका डेवलप हुआ था और ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये फर्स्ट कंप्यूटर है कमर्शियल, ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है ये. सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर, द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमोरो. Second generation of computer. And I especially request to the parents, please subscribe our YouTube channels and likes our videos. Thank you.